दोस्तों, अगर आप भी अपने YouTube वीडियोस के कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं जिससे आपके YouTube वीडियो सर्च में आए और आपको अच्छे व्यूज मिले, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने YouTube वीडियोस के लिए सूटेबल कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, यानी जो कीवर्ड आपके YouTube चैनल और आपके YouTube वीडियो के टॉपिक पर रैंक होने के लिए सूटेबल होंगे उन कीवर्ड्स को आप इस तरीके से सर्च कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप अपने YouTube वीडियोस को सर्च में रैंक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल इन के YouTube चैनल। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए जिससे ऐसी जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी कीवर्ड आपके यूट्यूब वीडियो पे कैसे रैंक होता है। रैंक होने के लिए बेसिकली बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो मैटर करते हैं, सबको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आपका यूट्यूब चैनल वो थोड़ा कम पॉपुलर है, यानी आपके यूट्यूब चैनल पे थोड़े कम सब्सक्राइबर्स हैं और आप शॉर्ट कीवर्ड्स को आप अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग में लगाते हैं, तो आपके जो यूट्यूब वीडियो के रैंक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं अगर उसी टॉपिक पे वो वीडियो अपलोड करते हैं तो उनका वीडियो है वो फर्स्ट में रैंक हो जाता है, क्योंकि उनके चैनल की जो पॉपुलरिटी है वो हाई होती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल और आप अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए सूटेबल कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं जो आपके चैनल और आपके वीडियोज पे रैंक हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड करने वाले तो आपको ये देखना है कि आपका जो वीडियो है वो YouTube के लिए सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। यही सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं YouTube ऐप को ओपन करने के बाद। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर अपना कीवर्ड को सर्च करना है। जैसे कि अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं हाउ टू ग्रो ऑन YouTube, तो आपको जो अपना मेन कीवर्ड है वो आपको यहां पर टाइप करना है, ग्रो ऑन YouTube। जैसे ही आप इस कीवर्ड को लिखते हैं, आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड दिख रहे हैं, लेकिन ये जो कीवर्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कीवर्ड हैं और इन पे जो ट्रैफिक है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन इन पे जो कंपटीशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। कैसे कंपटीशन को चेक करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग तरीका बता रहा हूं। जैसे कि आप अपने यूट्यूब वीडियो का मेन कीवर्ड यहां पर लिख देते हैं, आपको कीवर्ड के सामने जाना है, यहां पर आपको एक कॉलन देना है। जैसे आप इस कॉलन को टाइप करते हैं, इसके बाद सिंपली एक बार आप स्पेस को टाइप करिए, आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे कीवर्ड जैसे आ चुके हैं, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब 2023, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स, और इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे और कीवर्ड मिलेंगे, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब गेमिंग। यानी आपने जो अपना मेन कीवर्ड तो एक छोटा सा ही लिखा था, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो और भी इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं वो यहाँ पर दिखने लगे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कीवर्ड सबसे लास्ट में एक दिख रहा है, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब गेमिंग चैनल। इसे एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल करके एक बार कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही आप किसी भी कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक फ्री SEO टूल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है बिड IQ, जिसे आप बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप बिड IQ को आप यहाँ पर सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर बिड IQ का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे अपनी Gmail ID से लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप बिड IQ को अपनी Gmail ID से लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है कीवर्ड्स के ऊपर, और आपने जो कीवर्ड वहाँ से कॉपी किया था उसी कीवर्ड को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप इंटर प्रेस करिए, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो ये है। इसके अलावा इस पर जो कंपटीशन है वो 41, यानी कंपटीशन इस पर मीडियम है। जैसे कि एक कीवर्ड आपको यहाँ पर रिकमेंडेड दिख रहा है, ग्रो योर गेमिंग चैनल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं इस पर जो सर्च वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है और इसका जो कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा लो है। यानी अगर आपका एक छोटा यूट्यूब चैनल है तो आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग में, तो आपका जो वीडियो है वो रैंक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी भी लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को फाइंड कर लेते हैं जिस पर सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है और उसका कंपटीशन भी लो है, तो उसे सबसे पहले यहाँ से आपको कॉपी करना पड़ता है। कॉपी करने के बाद आप इसे सबसे पहले नोटपैड के अंदर एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसी तरह से आपको 2-3 कीवर्ड को आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ता है, क्योंकि मिनिमम 3 कीवर्ड्स होने चाहिए जिन पर आप वीडियो को रैंक करवाएंगे। उनमें से कुछ कीवर्ड अगर रैंक हो जाते हैं तो आपका YouTube वीडियो है वो सर्च में चला जाता है। तो एक कीवर्ड यहां पर मिल चुका है। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर और भी आपको दिख रहे हैं, जैसे कि हाउ टू ग्रो ऑन YouTube गेमिंग। जैसे ही आप इन कीवर्ड्स की पॉपुलैरिटी को चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने वीडियो से रिलेटेड कोई दूसरा कीवर्ड यहां पर सर्च करना है। जैसे इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड दूसरा कीवर्ड हो सकता है चैनल ग्रो। जैसे ही आप अपना मेन कीवर्ड लिखते हैं तो उसके बाद जो भी यहां पर टेक्स्ट हो सकते हैं वो यहां पर देखते हैं, लेकिन अगर आपको आगे के भी टेक्स्ट देखने हैं तो उसके लिए आपको सिंपली आगे यहां पर आना है
और कॉल इन टाइप करना है और सिंपली एक बार स्पेस दे देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे कि एक कीवर्ड है यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करें, इस कीवर्ड को आप यहाँ पर कॉपी करने के बाद पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और इसका जो कंपटीशन है बिल्कुल लो है। तो इस कीवर्ड को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही आपको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके इस तरह से आप पेस्ट कर लीजिए नोटपैड के अंदर। आपके फ़ोन के अंदर भी नोटपैड होगा और आपके लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर भी नोटपैड होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर और भी देखिए न्यू चैनल ग्रो। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर एक कीवर्ड मिल रहा है गेमिंग चैनल ग्रो 2023। आपको सिंपली ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इस कीवर्ड पे भी सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और इस पे जो कंपटीशन है वो भी लो है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 3-4 कीवर्ड्स को रिसर्च कर लेते हैं, जैसे ही सर्च करने के बाद आप इन्हें पेस्ट कर लीजिए। जैसे ही आप लो कंपटीशन वाले 2-3 कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने YouTube चैनल का YouTube स्टूडियो ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जिस भी वीडियो में आप इन्हें यूज करना चाहते हैं उस वीडियो को आप ओपन करिए। अगर आप नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस पर भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। इन कीवर्ड्स को आपको अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग के अंदर आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से पेस्ट करना है। जैसे कि आप देखिए मेरा एक ये वीडियो है जिसमें मैंने कीवर्ड को पेस्ट किया है यूट्यूब चैनल ट्रांसफर टू अनदर गूगल अकाउंट। सबसे पहले मैं इस कीवर्ड का आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ, क्या ट्रैफिक है और इस कीवर्ड पे कंपटीशन क्या है। आप देख सकते हैं कंपटीशन है बिल्कुल वेरी लो है, यानी इस कीवर्ड पे जो कंपटीशन है बिल्कुल लो है। तो ये जो कीवर्ड है मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे से रैंक कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आप देख सकते हैं इसी तरह से आप भी अपने कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टाइटल में पेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप इन कीवर्ड को पेस्ट करेंगे फर्स्ट 2 लाइन में आप इन्हें पेस्ट करिए, लेकिन आप उसे एक सेंटेंस के तरीके से आप यूज़ करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कीवर्ड मेन ये था यूट्यूब चैनल ट्रांसफर टू अनदर गूगल अकाउंट, लेकिन मैंने इसे पेस्ट किया हाउ टू ट्रांसफर यूट्यूब चैनल टू अनदर अकाउंट, जिससे ये एक सेंटेंस लग रहा है और यूट्यूब को ये कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं लगेगा। इस वीडियो पर मैंने लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड्स को यूज़ किया है। अभी मैं आपको रैंकिंग दिखाता हूँ कि ये जो कीवर्ड्स हैं सभी कीवर्ड्स यहाँ पर रैंक हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने YouTube वीडियोस में लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को यूज करके आप उसे सर्च में ला सकते हैं, क्योंकि लो कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स होंगे वो आपके छोटे YouTube चैनल पर भी रैंक कर जाएंगे। कैसे आपको इन कीवर्ड को सर्च करना है मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह गई है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को दूसरी जीमेल आईडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं तो यहां पर क्लिक करने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे थे हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।